मेरे सभी सम्मानित भारतीयों को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे को आप लोगों के बीच लाने के लिए मैं आया हूं, और वो मुद्दा है कि हाल ही में माननीय भारत सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन के माध्यम से एक एक्ट बनाया गया है। उस एक्ट में गरीबी के आधार पर 10% सीटें आरक्षित की गई हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, ये एक्ट पूरी तरीके से असंवैधानिक है और गलत तथ्यों पर आधारित और पूरी तरीके से संविधान की जो मूल भावना है उसके विरुद्ध है। इन्हीं आधार पर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक जनहित याचिका दाखिल की है और उसमें ये अनुरोध किया है कि इस एक्ट को निरस्त किया जाए। आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात है कि एक्ट का जो आधार बनाया गया है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए है, ना कि इन पब्लिक में जो मीडिया द्वारा, मुख्यधारा मीडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो कोई भी हो सकता है, उसको गरीबी के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की बात की है। तो ये पूरी तरह दुष्प्रचार है कि किसी सामान्य वर्ग, किसी खास वर्ग के लिए है। दूसरी बात, अब इस मुद्दे पर मैं आता हूँ कि क्या जो आधार लिया गया है वो आधार सही है। तो जो इस एक्ट का मूल उद्देश्य है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण देने की बात करते हैं, वो मूल आधार ही पूरी तरह से काल्पनिक और तथ्यों से परे है। अगर हम आज की बात करें तो हमारे देश में कोई भी इस तरह का वर्ग, जिसको हम कोई ऐसा नागरिकों का समूह जिसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहकर आइडेंटिफाई कर सकें, ऐसा कोई समूह एग्जिस्ट नहीं करता है। ना किसी भी ऐसी इस तरह की कोई स्टडी नहीं की गई, कोई ऐसा कमीशन नहीं बैठा है, कोई इस तरह का सर्वे नहीं है जो हमारे देश के नागरिकों में से एक ऐसा समूह अलग निकाल के जिसने दिया हो कि भाई ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसको आइडेंटिफाई किया हो। तो पूरी तरह से जो इस एक्ट का आधार है, जो मूल उद्देश्य है, वही कल्पना पर आधारित है। और यही याचना मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में की है कि जब आधार ये कल्पना पर आधारित है तो पूरा का पूरा एक्ट ही इस हिसाब से निरस्त करने के लायक है, इसका कोई बेस नहीं बनता। दूसरा पॉइंट लिया है कि जिस आर्टिकल 46 को एक्ट में एक रेफरेंस के तौर पर यूज किया गया है, जिसको संविधान से, जहाँ से पावर ड्राइव की है इस एक्ट ने, कि आर्टिकल 46 बोलता है वीकर सेक्शन के लिए सरकार कभी भी कोई प्रोविज़न कर सकती है, तो मैं आप लोगों को समझ रखना चाहता हूँ कि आर्टिकल 46 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोविज़न सरकार कर सकती है आर्टिकल 46 से, वो वीकर सेक्शन के लिए है। और वीकर सेक्शन को भी डिफाइन किया है कि वीकर सेक्शन वो वीकर सेक्शन है जो इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि खास तौर पर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हैं, और इन जनरल वो वर्ग है जो सोशली एक्सप्लोइट हुआ हो, जिसका सामाजिक तौर पर शोषण हुआ हो। तो इस एक्ट को बनाने के लिए जो आधार लिया है आर्टिकल 46 का, वो भी पूरी तरीके से गलत तरीके से उसके परिभाषित किया गया है। वहाँ पर वीकर सेक्शन की डेफिनेशन है सामाजिक तौर पर जिसका शोषण हुआ हो, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन पर्टिकुलर। तो ये दो बातों से ही ये बात साबित हो जाती है कि एक्ट पूरी तरह आधारहीन है, संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता, और ये असंवैधानिक है, और इस तरह के कार्यों को किसी भी तरीके से सराहना नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि पहले आप लोग अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि किसी सामान्य वर्ग, किसी ऐसे खास जाति के लिए कुछ नहीं है। इस एक्ट में जो भाषा प्रयोग की है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिखा हुआ है, और अगर उसकी उस पर भी हम बात करें तो वो कोई भी वर्ग हो सकता है जो आर्थिक तौर पर कमजोर हो। उसके लिए सर्वे की जरूरत पड़ेगी। और खास इसमें, इस एक्ट में बताने वाली बात है कि एक बेहद, आप ये मान सकते हैं कि आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं उन सबको ध्यान में रख के सब बनाया गया है, और एक तरह का राजनीतिकरण है इसके पीछे, और एक तरह की एक खास मंशा है। और जितने भी लोग इससे जो सोच रहे हैं कि उनके लिए है या उनके लिए भी नहीं है, तो उनसे भी मेरी अनुरोध है कि आप लोग भी इसको पहले पढ़िए, समझिए। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है इसमें, और सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि इस बात की, जो एक्ट की जो गहराई है, इसकी सच्चाई है, उसको सभी तक ले जाइए। हमारा मकसद तो, मैं खुद प्रतिनिधित्व के जो आधार है उस पर मैं विश्वास रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश के हर एक नागरिक को, हर एक क्लास ऑफ सिटीजन, हर एक सेक्शन को, हर एक समुदाय को
रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले, उचित भागीदारी मिले, तो उसके लिए बकायदा एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, वो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से अगर हम कुछ पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो हम प्रतिनिधित्व के मसले को अधिक से अधिक उठाएं। और प्रतिनिधित्व किस आधार पर, क्योंकि हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, समुदाय में बटा हुआ है, तो जाति आधारित एक गणना हो देश के अंदर और फिर एक सर्वे निकले कि किस समाज का किसका कितना प्रतिनिधित्व, कितना रिप्रेजेंटेशन है, और जो भी रिप्रेजेंटेशन से जिसकी भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई, जो कम है, उसके लिए सरकारी प्रावधान किए जाएँ। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी लोगों से कि इस बात को अधिक से अधिक आप लोग पहुँचाइए। थैंक यू। पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोगों के बीच फिर आऊँगा, जो भी इसकी और गहराई है इस पर चर्चा करूँगा अलग अलग माध्यम से। थैंक यू। संविधान से जहाँ से पावर ड्राइव की है इस एक्ट ने, कि आर्टिकल 46 बोलता है वीकर सेक्शन के लिए सरकार कभी भी कोई प्रोविज़न कर सकती है, तो मैं आप लोगों को समझ रखना चाहता हूँ कि आर्टिकल 46 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोविज़न सरकार कर सकती है आर्टिकल 46 से, वो वीकर सेक्शन के लिए है। और वीकर सेक्शन को भी डिफाइन किया है कि वीकर सेक्शन वो वीकर सेक्शन है जो इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि खास तौर पर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट हैं, और इन जनरल वो वर्ग है जो सोशली एक्सप्लोइट हुआ हो, जिसका सामाजिक तौर पर शोषण हुआ हो। तो इस एक्ट को बनाने के लिए जो आधार लिया है आर्टिकल 46 का, वो भी पूरी तरीके से गलत तरीके से उसके परिभाषित किया गया है। वहाँ पर वीकर सेक्शन की डेफिनेशन है सामाजिक तौर पर जिसका शोषण हुआ हो, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन पर्टिकुलर। तो ये दो बातों से ही ये बात साबित हो जाती है कि एक्ट पूरी तरह आधारहीन है, संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता, और ये असंवैधानिक है, और इस तरह के कार्यों को किसी भी तरीके से सराहना नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये भी अनुरोध करूँगा कि पहले आप लोग अपने आसपास के लोगों को समझाइए कि किसी सामान्य वर्ग, किसी ऐसे खास जाति के लिए कुछ नहीं है। इस एक्ट में जो भाषा प्रयोग की है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिखा हुआ है, और अगर उसकी उस पर भी हम बात करें तो वो कोई भी वर्ग हो सकता है जो आर्थिक तौर पर कमजोर हो, उसके लिए सर्वे की जरूरत पड़ेगी। और खास इसमें इस एक्ट में बताने वाली बात है कि एक बेहद आप ये मान सकते हैं कि आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं उन सबको ध्यान में रख के सब बनाया गया है, और एक तरह का राजनीतिकरण है इसके पीछे, और एक तरह की एक खास मंशा है, और जितने भी लोग इससे जो सोच रहे हैं कि उनके लिए है या उनके लिए भी नहीं है, तो उनसे भी मेरी अनुरोध है कि आप लोग भी इसको पहले पढ़िए, समझिए। आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है इसमें, और सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि इस बात की जो एक्ट की जो गहराई है, इसकी सच्चाई है, उसको सभी तक ले जाइए। हमारा मकसद तो, मैं खुद प्रतिनिधित्व के जो आधार है उस पर मैं विश्वास रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देश के हर एक नागरिक को, हर एक क्लास ऑफ सिटीजन, हर एक सेक्शन को, हर एक समुदाय को रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व मिले, उचित भागीदारी मिले, तो उसके लिए बकायदा एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, वो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से अगर हम कुछ पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो हम प्रतिनिधित्व के मसले को अधिक से अधिक उठाएं। और प्रतिनिधित्व किस आधार पर, क्योंकि हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, समुदाय में बटा हुआ है, तो जाति आधारित एक गणना हो देश के अंदर और फिर एक सर्वे निकले कि किस समाज का किसका कितना प्रतिनिधित्व, कितना रिप्रेजेंटेशन है, और जो भी रिप्रेजेंटेशन से जिसकी भी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई, जो कम है, उसके लिए सरकारी प्रावधान किए जाएँ। तो मेरा ये अनुरोध है आप सभी लोगों से कि इस बात को अधिक से अधिक आप लोग पहुँचाइए। थैंक यू।